आज के इस दौर में शादी मियारी, पकवान मियारी, हर चीज मियारी हो चुकी है। लिहाजा लीजिए, फर्नीचर्स भी मियारी दस्तियाब है, नित नए डिजाइन के साथ मौजूद है। डायरेक्टर फारूक अशरफ, मलेका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। सदर जमहूरिया के एजाज में राजभवन में इशाया आंध्रा व तेलंगाना के गवर्नर ईएसएन नरसिम्हन की जानिब से इशाया का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। दिल्ली से आए मजलिस के एक वफद ने सदर मजलिस से की मुलाकात। दिल्ली के मजलिस पार्टी के यूनिट के एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मेंबरशिप मुहिम का भी आगाज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। आरसीपुरम में खानगी फाइनेंस कंपनी को दिन दहाड़े लूट लिया गया। साइबराबाद और संगारेड्डी के हदूदों पर एक खानगी फाइनेंस कंपनी को दिन दहाड़े लूट लिया गया। नामालूम पांच रुकनी टोली ने खुद को सीबीआई के ऑफिसर्स जाहिर करते हुए दाखिल हुए और वहां से 40 किलो से ज्यादा सोना लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। साइबराबाद के कमिश्नर ने भी मुकाम वाक़ा का मुआयना किया। रिपोर्ट, INDtoday.com। फर्स्ट गोल फुटबॉल कोचिंग के एक वफद ने सदर मजलिस से की मुलाकात। फर्स्ट गोल फुटबॉल कोचिंग के एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और हैदराबाद में होने वाले इवेंट में इन्हें मधु भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। ₹3,920 करोड़ रुपए के खर्चे जात माफ, असेंबली में चीफ मिनिस्टर का ऐलान, जिसके साथ ही बल्दी डिवीजन अल्लापुर में जश्न मनाया गया। अल्लापुर बल्दी डिवीजन के सफदरनगर में टीआरएस पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से धोया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। महबूब नगर के एक वफद ने सदर मजलिस से की मुलाकात। महबूब नगर के एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। शहर हैदराबाद में जारी तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जोनल कमिश्नर ने जायजा लिया। मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने जोनल कमिश्नर को जेर इल्तवा कामों की निशानदही करवाई। जोनल कमिश्नर ने तय खुन दिया कि बहुत जल्द तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर जोनल कमिश्नर के हमरा कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। बल्दिया की जानिब से 5 रुपए में खाने की स्कीम के स्टॉल का हुआ आगाज। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरे में 5 रुपए में गरीबों के लिए दोपहर खाने की स्कीम के स्टॉल का इफ्तिताह रुकने असम्बली मोहम्मद मौजम खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। पुराने शहर में 2 आदिसारिक गिरफ्तार। मादनापेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इन मुलजिमीन पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत रातों में सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इनके कब्जे से 1 LCD, 2 घड़ियों, 1 सेलफोन को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसकी जुमला कीमत 90,000 रुपये बताई गई। इन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मादनापेट के सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com।
शहर हैदराबाद में दिन दहाड़े खातून के गले में से चैन छीन कर नामालूम अफराद फरार। हबीबनगर पुलिस हुदूद के इलाके में पैदल चलने वाली खातून के गले में से 4 तोले की चैन छीन कर नामालूम अफराद फरार हो गए। इस वाकये के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हबीबनगर पुलिस ने मुकाम वाकया पहुँच कर मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। आरसीपुरम में हुए खानगी फाइनेंस कंपनी में डकैती के बाद पुलिस की नाकाबंदी। जहीराबाद में भी पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। इसकी रास्त निगरानी DSP रवि ने की। इस मौके पर दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com।